बिहार से जवाहर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए हाँ सवाल ठीक है। करके। अच्छा बोल रहे हैं कि एक लड़का है 26 साल 27 साल का, ठीक है। उसका हिप लॉकिंग का सिस्टम हो रहा है, मतलब हिप ज्वाइंट में जैन दर्द के साथ वो हिप लॉक हो जा रहा है, पैर उठता नहीं है सही से। तो जी इससे मेहनत करता है क्या उसका वो? कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करता था। मैं मेहनत कुछ नहीं करते, वो तो स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो जो है ना, मैंने अभी बायां पैर सही से उठा नहीं पा रहा है, हिप लॉकिंग का जैसे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। हाँ ठीक है, परवाह ना करें और मेरी बात गौर से सुने। देखिए, दो चीज़ें बताऊंगा आपको मैं, दवा भी बताता हूँ, घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ। जो मिले आप लेकर उन्हें इस्तेमाल कराइए, लेकिन असली लेना। गोंद स्याह, काला गोंद। मैं ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा महसूस करता हूँ कि आप थोड़ा कम सुनते होंगे। अगर फिर भी नहीं भी सुनते तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बात कम सुनता होगा, उसको बहुत अच्छी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कीमती नुस्खा इसे कह सकते हैं। गोंद स्याह, ये काले गोंद को कहते हैं, ये बड़ा बदसूरत होता है, काला होता है, इसे काला गोंद भी कहते हैं। 100-200 ग्राम खरीद लीजिए बस, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, लौंडे को खिलाइए दूध के साथ खाने के बाद। और ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, टाइगर मतलब शेर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल खिलाइए, कैप्सूल टी केयर, और सुबह शाम खिलाइए। वज़न नहीं उठाने दीजिए बिल्कुल बिल्कुल, वज़न या मेहनत नहीं करने दीजिए। और 1 महीने में फ़ायदा भी हो जाए तो आपको 5 महीने खिलाना है इसको। मेरी दुआ है इस बच्चे को ऊपर वाला अच्छा कर दे।